इंफ्रा देखें तो बहुत बेहतरीन, पर जिन्होंने उस इंफ्रा को यूटिलाइज करना है क्या उन्हें भूल चुकी है यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन के चश्मे का इल्यूजन कहीं महंगा तो नहीं पड़ रहा बच्चों को? क्योंकि रिव्यू की माने तो हालत काफी खराब है। तो आइए आज देखते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। बने रहिए हमारे साथ। हेलो गाइस, मैं आशीष कॉलेज 18 की तरफ से आया हूँ जागरण लेक यूनिवर्सिटी का रिव्यू लेकर, जहाँ हम जानेंगे कॉलेज के बैकग्राउंड, अप्रूवल, लोकेशन, कोर्सेस, फीस, इंफ्रा, कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट के बारे में। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट अभी लगभग 10 साल पहले हुआ है 2013 में, और तब से अब तक यूनिवर्सिटी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। JLU ने बहुत ही कम समय में टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बना ली है और कई अवार्ड से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। अप्रूवल्स की बात करें तो JLU, UGC और AIU से अप्रूव्ड है। NCTE, BAR, काउंसिल ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अप्रूवल भी इनके पास मौजूद है। साथ ही इरस्मस प्लस में भी इंडिया की तरफ से टॉप यूनिवर्सिटी में JLU ने अपनी जगह सुनिश्चित की हुई है। बात करें लोकेशन की तो यूनिवर्सिटी मूलिया चौक नियर रतिबड़ भोपाल में लोकेटेड है, जो अपना ट्रांसपोर्ट भी आपके लिए प्रोवाइड करता है। और अगर आप यहाँ अपने ट्रांसपोर्ट से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। कोर्सेज में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लगभग 53 प्लस डिग्री कोर्सेज यहाँ करवाए जाते हैं, जिसमें BA, BBA, BCA, BTech, BSc और भी ऐसी कई तरह UG कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। PG कोर्सेज में MA, MBA जैसे कोर्स और साथ में PhD भी यहाँ से आप कर सकते हैं। कोर्स की पूरी जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अगर कुछ डाउट हो तो आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे फीस की बात करें तो यहाँ हर साल आपको लगभग 50,000 से लेकर 1.8 लाख तक का खर्चा करना होगा। इसमें एडमिशन फीस 10,000 अलग से ली जाती है, पर कई तरह की स्कॉलरशिप की वजह से थोड़ा बर्डन कम जरूर होगा। स्कॉलरशिप और फीस की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंफ्रा की तरफ। इंफ्रा डिजाइन काफी मॉडर्न है, जिसमें सभी एसेंशियल फैसिलिटीज जैसे कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मौजूद है, और कैंपस 232 एकड़ में फैला हुआ है। लस ग्रीन कैंपस है। यूनिवर्सिटी में 14 एकेडमिक ब्लॉक्स अवेलेबल है, जिनमें स्टूडेंट्स के लिए करीब 50 प्लस लैब और 125 प्लस क्लासरूम के साथ 4 ऑडिटोरियम रूम, 5 ऑन कैंपस फूड आउटलेट जैसी फैसिलिटी मिल जाएंगे, जिसका काफी बड़ा रोल रहेगा आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने में। लाइब्रेरी 28,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 40,000 प्लस बुक मिल जाएंगी। हॉस्टल में भी बॉयज और गर्ल्स के लिए फैसिलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। दोनों हॉस्टल सेपरेट हैं। सेफ्टी के पॉइंट पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं। और भी सभी फैसिलिटी जैसे मेस, जिम, लॉन्ड्री, फूडिंग अवेलेबल है। स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स आप खेलना चाहे वो आप वहाँ खेल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्विमिंग पूल भी फैसिलिटी भी दी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंफ्रा ठीक ठाक है। कैंपस लाइफ देखा जाए तो कई तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलती है, और हो भी क्यों ना, यहाँ 8 कंट्री से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। इसके साथ कल्चरल फेस्ट, एलुमिनाई मीट, स्पोर्ट्स मीट जैसे इवेंट भी यहाँ टाइम टू टाइम कंडक्ट होते रहते हैं। तो ओवरऑल कैंपस लाइफ देखा जाए तो ठीक ठाक है। अब जान लेते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में, जो की है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी का लगभग 24 लाख पर एनम, और क्लेम्स की माने तो एवरेज पैकेज करीब 5.1 लाख है।
अब वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। जागरण लेक यूनिवर्सिटी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है आपके लिए, पर काफी फैक्टर हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी रहेगा, जैसे कि बजट और लोकेशन। बजट जहां पे आपको इजीली ही वो कॉलेज आप अफोर्ड कर पाओ। हो सकता है अभी भी संदेह आपके मन में जन्म ले रहे हो, तो करना क्या है, कॉलेजेस 18 के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमारे काउंसलर से बात करिए, जिससे कि आप ये जान पाएं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, जो बजट फ्रेंडली हो, प्लेसमेंट में अच्छा हो, लोकेशन वाइज भी आपके लिए सही हो। ऐसे ही और भी कई सवालों के जवाब के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब मैं आशीष आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।